हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कैनेडा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवर्ड पूल के पे बैक के बारे में, जो कि हमें लेजेंडरी क्यू से मिलता है और क्यों आप लोगों को कम मिलता है या दूसरों को क्यों ज़्यादा मिलता है, आपको ऐसा लगता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई न्यू आ गया है मेरे चैनल पे, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो के नीचे रेड वाला बटन को प्रेस करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब। साथ में आएगा बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि आपको मिल सके मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके अकाउंट में जो पेबैक लिखा होता है वो आपको मिलता क्यों नहीं है, उससे कम ही आपको क्यों मिलता है। आप जो अकाउंट देख रहे हो आपके सामने ओपन है, ये जो अकाउंट है ये 20x20 लेजेंडरी की उसका अकाउंट है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, आप इसमें देख सको तो इसमें 20x20 लेजेंडरी क्यूज ऑन है और इसमें जो पेबैक लिखा हुआ है अप टू 100% पेबैक लिखा हुआ है। हर एक लेजेंडरी क्यू पे 6% का पेबैक हमें मिलता है। और ये जो अप टू लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वैल्यू फिक्स्ड है, अप टू का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मीन के एक रेंज बताई जाती है कि 0 से लेके 100% अबव भी हो सकता है। आपके अकाउंट में भी अगर 60% लिखा है तो वो एक रेंज बताई गई है कि 0 से 60% तक हो सकता है। तो ये सिर्फ एक रेंज बताई गई है, अप टू का मतलब है कि जहाँ तक आपको ये चीज़ मिल सकती है मैक्स। तो इसी वजह से हम जो मैच खेलते हैं कभी हमें 16 मिलियन मिलते हैं, कभी 10 मिलियन, कभी 8 और कभी 18 मिलियन। अभी मैंने रिसेंटली 8 मैचेस लगाए हैं जिनमें से 4 मैंने रिकॉर्ड किए हैं और उनका पे बैक आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हर एक मैच में मुझे डिफरेंट पेबैक मिला है, लेकिन जो एवरेज पेबैक मिला है सारे में वो मुझे 12 से 14 मिलियन कॉइन्स का पेबैक मिला है। और एक दो मैचेस ऐसे थे जिनमें मुझे 16 मिलियन भी मिला है, 15.8 भी मिला है, 11 भी मिला है, 12 मिलियन कॉइन भी वापस मिले हैं। तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपको 100% तक पेबैक मिल सकता है, कुछ एक्चुअल वैल्यू इसमें फिक्स नहीं है। मैं आपको इसी गेम की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इसी गेम में हमारे पास स्पिन है, स्क्रैचेस हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि यू कैन विन अप टू 250K कॉइन्स, 2,50,000 कॉइन तक आप जीत सकते हो। लेकिन हर बार हम 2,50,000 कॉइन नहीं जीतते, वो क्यों? क्योंकि वो एक रेंज है, उसमें हमें कॉइन मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं कभी कम मिलते हैं, लेकिन उसमें अप टू लिखा हुआ है मतलब ये कि वहाँ मैक्सिमम वहाँ तक आपको मिल सकते हैं। इसी तरह इन लेजेंडरी क्यूज का भी होता है, यहाँ पे अप टू 100% हमें मिल सकता है, लेकिन हमें हर बार उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, चेंज होता है, वेरी करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। फर्स्ट टाइम मुझे इसका 100% पेबैक मिलने लग पड़ा तो उनकी गेम तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा अकाउंट बंदा बना ले, जितने भी पैसे चाहे खर्च करके बना ले, बाद में वो उस अकाउंट से खेलता रहे, चलो हार गया तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे कॉइन जो भी 100 मिलियन होंगे, लेकिन जीत गया तो उसे उसके जो कॉइन्स हैं वो डबल हो जाएंगे, तो उसमें उनकी गेम ख़राब होती है। इस वजह से उन्होंने उसमें अप टू का ऑप्शन रखा है कि आपको जहाँ तक मिल सकते हैं, कभी ज़्यादा मिलेंगे कभी कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह बनती है कि अगर उन्होंने 6% पर क्यू का रखा है तो 20x20 लेजेंडरी क्यू उसका अप टू 120% लिखना चाहिए था और इसमें थोड़ा सा पेबैक को इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 100% ही लिख दिया है। और इसमें जो एवरेज मिलता है मैंने आपको बता दिया, 14 मिलियन तक हमें एवरेज मिल जाता है 20x20 में। हो सकता है आपके पास कोई अकाउंट हो 20x20 का, उसमें इससे ज़्यादा मिलता हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपको कितना पेबैक मिलता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आपको बताने की कि आपके एक अकाउंट में चाहे 20x20 लेजेंडरी क्यूज हो, लेकिन आपको पेबैक उतना कम ही मिलता है, 100% नहीं मिलता हर बार। कोई एक चांस लग जाए कि 100% मिल जाए, लेकिन हर बार 100% नहीं मिलता। तो इस चीज़ के पीछे ज़्यादा ना भागें कि हम 20x20 कर लेंगे तो हमें 100% पेबैक मिलेगा, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। और हाँ, अगर आपके अकाउंट में एक भी लेजेंडरी क्यूज नहीं है और आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, कुछ 200-300 मिलियन, तो मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से कॉइन्स को छोटे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसमें लीग्स वगैरह जीत के आप किस तरह से लेजेंडरी क्यूज को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं खेलना आता, एक लीग दो लीग भी टॉप कर लेते हो, सिंपल वाली छोटे वाली लीग,
फिर भी आपके अकाउंट में एक लेजेंडरी क्यू तो आराम से ओपन हो ही जाएगी। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा अच्छा खेलना आता है तो कॉइन ट्रांसफ़र कर ले, उस मेथड को फॉलो कर ले और आपके अकाउंट में 10 से 12 लेजेंडरी क्यूज आराम से ओपन हो जाएंगे। अगर किसी ने ज़्यादा मेहनत की तो 20 भी ओपन हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।